ग्लासेस को ध्यान से उठाना, इटली से लाए हैं, टूटने नहीं चाहिए। क्या बात है मॉम? मॉम आज आपका जन्मदिन है, हम सबके लिए खुशी का दिन, पर आप ऐसे बुझी बुझी बैठी। ऐसी कोई बात नहीं, तुम दोनों का प्यार देखकर शायद आंखें भर आई। पता नहीं अगले साल मैं तुम दोनों के बीच हूं भी ना हूं। मॉम इस खुशी के मौके पे कैसी बातें कर रही हैं आप? और मॉम देखिए ना कितने सारे गिफ्ट मिले हैं आपको, लोग कितना प्यार करते हैं आपसे। जरूर मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो तुम जैसे अच्छे बच्चे मिले हैं। चलिए चलिए देखते लोगों ने क्या क्या गिफ्ट दी, और सबसे पहले इसे खोलिए प्लीज, मेरा गिफ्ट। It's beautiful. आपको अच्छा लगा ना? अच्छा, बहुत सुंदर है, लेकिन मुझसे ज्यादा ये गुंजन पर अच्छा लगेगा। नहीं मॉम, ये आपको ही पहनना होगा। प्लीज ये खोलिए। ये क्या है, बड़ी अजीब सी शेप है। कंकाल का हाथ, ये बेहुदा मजाक किसने किया? मॉम आप ठीक तो हैं? क्या हुआ मैम? कुछ नहीं, तुम जाओ अपना काम करो। कौन कर सकता है ऐसा? बधाई हो भाई, फाइनली ये केस खत्म हो ही गया। मुझे लग रहा था कि खूनी संतोष या तन्मय निकलेंगे, कमाल है, सारे खून इस नीतिका ने किए। वही तो, नाखून और बाल के छोटे टुकड़े भी कैसे हमें खूनी तक ले जाते हैं यहाँ। अरे प्रेडी क्या बात है, किसी की राह देख रहे हो क्या? सर एसीपी साहब आए नहीं अभी तक। कुछ काम था उनसे? सोचा था आके मुझे शाबाशी देंगे केस सॉल्व करने की। अरे वो जरा बाहर गए, देहरादून। देहरादून क्यों? वो उनके साले की सगाई है वहां। साले की सगाई है? फिर तो छुट्टी बनती है सर, सारी खुदाई एक तरफ और चोरू का भाई एक तरफ। इसी के साथ सीआईडी ब्यूरो। क्या कटा हुआ हाथ कहां पे? हम लोग सीआईडी से हैं, नताशा जी का घर यही है ना? जी कहिए, मैं ही नताशा हूं। मगर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें किसी ने फोन करके बताया कि आपको यहाँ पे किसी ने कटा हुआ हाथ भेजा है गिफ्ट बॉक्स में। जी इन्हें मैंने ही फोन करके बुलाया था। तुमने फोन किया था? इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने सीआईडी को बुला लिया? ये छोटी सी बात नहीं है मैडम, एक मुर्दे का कटा हुआ हाथ, मतलब समझती है ना किस मुर्दे का हाथ है, ये तो पता लगाना ही पड़ेगा। और सर एक बात और, वो कटा हुआ हाथ इन्हीं लोगों को क्यों भेजा गया? देखा ये, कहाँ है वो हाथ? वो हाथ तो मैंने फेंक दिया। क्या हाथ फेंक दिया? मुर्दे का हाथ फेंक दिया? कहाँ फेंका आपने वो हाथ? वो हाथ मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मम, आ रही हो? मम, आता, जल्दी आओ। मम, चुकी, चुकी, चुकी।
लेके जाओ, लेके जाओ। कहाँ फेंक दिया? मुझे कुछ याद नहीं। माफ कीजिएगा, वो दरअसल मॉम की अचानक तबीयत खराब हो गई। कोई बात नहीं, कल सुबह फिर वापस आ जाएंगे। हमारा क्या है, हमारा तो यही काम है मुर्दे ढूंढना। माता जी की तबीयत अचानक खराब होती है, बस दाल में कुछ काला है। मतलब दाल में हाथ छुपा के रखा है। यार तुमसे कितनी बार कहा है कि फ्रेडी के सामने जोक मत मारा करो। ओफो, पता नहीं अभी इतनी रात को कौन आ गया है। वेदांत, सोनिया, अंदर आओ। ये तुम लोग इतनी रात को यहाँ पे क्या? माफ कीजिएगा, हमने आपकी नींद खराब की। हमें एक फोन आया था। फोन आया था? नताशा मैडम का, कह रही थी कुछ अर्जेंट काम है इसलिए मुझे यहाँ पर बुलाया है। अर्जेंट काम? और वो भी रात के 3 बजे? गुंजन, काम बहुत अर्जेंट है, हम सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, पर वो इस टाइम पे सो रही होंगी। नहीं नहीं, वो सो नहीं रही है, स्टडी रूम में हमारा इंतजार कर रही है। वन सेकंड प्लीज। सुन, तुम दोनों, मैं तुम दोनों का ही इंतजार कर रही थी। अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। लेकिन मैम, बात क्या है, इतनी रात का आपने हमें बुलाया? ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। आई होप मैं तुम दोनों पर भरोसा कर सकती हूँ। गुंजन, मैं तो डरी गई थी। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो वेदांत और सोनिया आए हैं मम्मी जी से मिलने के लिए। वेदांत और सोनिया, वो भी इस वक्त? हाँ, वो मम्मी जी को कोई अर्जेंट काम था उनसे। इस वक्त कौन सा अर्जेंट काम हो सकता है? आई डोंट नो, मैं देखता हूँ। तुम इस वक्त यहाँ? मॉम ने कौन से अर्जेंट काम के लिए बुलाया तुम्हें? पता नहीं, लेकिन बहुत परेशान लग रही है। एक मिनट, मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है प्लीज। ये आवाज कैसी? मॉम, मॉम, सोनिया, सोनिया दरवाजा खोलो। ये दरवाजा, ये दरवाजा क्यों बंद है? मॉम, मॉम दरवाजा खोलिए। सोनिया, दरवाजा तोड़ देते हैं। क्या हुआ? खिड़की में से। मॉम, मॉम क्या हुआ? मॉम अरे बन, मॉम क्या हुआ? मॉम प्लीज बोलो ना, मॉम, मॉम क्या हुआ बोलिए ना प्लीज। ये गर्दन से गोली लगी। तो सोनिया का कहना है कि गोली वहां से चली, उस खिड़की से। हाँ सर, वो बस इतना ही कहा था उसने कि वो बेचारी बेहोश हो गई। ये गोली चलने की आवाज सबने सुनी थी? जी सर। क्यों बुलाया था आपको नताशा ने इतनी रात को 3 बजे? सर, इससे पहले कि वो कुछ हमें बताती, ये हो गया। और ऐसा कौन सा जरूरी फोन करना था इतनी रात में?
सर मेरा साला बहुत बीमार है सर, उसी को फोन करने गया था। अच्छा बहाना है, तुम जानते थे कि यहाँ पे गोली चलने वाली है इसलिए पहले ही खिसक गए कमरे से हैं? कैसी बात कर रहे हैं साहब, अगर मुझे जरा सा भी शक होता ना कि यहाँ पर ये हादसा होने वाला है तो नताशा मैडम को मैं मौत के मुंह में छोड़ के नहीं जाता। वाह, वफादारी की मिसाल। एक बात बताइए, जब आप इस कमरे से बाहर गए तब ये खिड़की खुली थी या बंद? हाँ सर, ये खिड़की खुली हुई थी सर, लेकिन वहां पर कोई था नहीं। तुमसे पूछा मैंने वहां पे कोई था या नहीं, ये पूछा? क्यों, खिड़की के बाहर किसी को होना चाहिए था गोली चलाने के लिए? हाँ? रेडी सर, स्पेल अप। यहाँ गन पाउडर है, मतलब सोनिया सही कह रही थी, गोली बाहर से चलाई है किसी ने। जरा सोनिया को बुलाना। माता, सोनिया। ये बैग किसका है? ये बैग शायद सोनिया का है। क्या बात है, है? ये एक ही ड्रावर है जो खुल नहीं रहा है। अच्छा, कमाल, इस ड्रावर की चाबी कहाँ है? जी पता नहीं, वो तो मोहम के पास रहती थी। कोई बात नहीं, तो कह रही थी कि उसने हाथ फेंक दिया था। मतलब इसने हमसे झूठ कहा था। नताशा, नताशा, ये क्या हुआ मेरी बहन को? एक बार। अंकल संभालिए क्या? आप? मैं रणवीर, नताशा का भाई। फिर रणवीर आप आ कहां से रहे? मैं लखनऊ गया था बिजनेस के किसी काम से। मैम, क्या हुआ मार्था? मैम पूरे घर में देख लिया लेकिन सोनिया का कोई पता नहीं है। क्या, सोनिया गायब है? सर उस सोनिया ने ही कुछ गड़बड़ की है, वो थी ना नताशा के साथ जब गोली चली थी, उसी ने खिड़की में से किसी को इशारा किया होगा गोली चलाने के लिए। सर, सोनिया के घर पे कोई नहीं, पड़ोसियों ने बताया कि उसने कुछ दिन पहले घर बदल दिया। घर बदल दिया? मतलब उसने पहले से प्लानिंग की थी, खून हुआ और रफू चक्कर। एक काम करो, सब ब्रोकर्स के पास जाओ जो ये मकान दिलाते हैं, पुलिस स्टेशन में जाके किराएदारों की लिस्ट चेक करो, जितनी जल्दी हो सके इस सोनिया के नए घर का एड्रेस लेके आओ। यस सर। अब ये बात हजम नहीं हो रही है, रात के 3 बजे नताशा ने वेदांत और सोनिया को बुलाया कुछ जरूरी बात करने के लिए। ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो उसने अपने घर वालों को नहीं बताई बल्कि अपने मैनेजर और सेक्रेटरी को बुला के बताई? देख, कुछ तो राज है जिसकी वजह से इस नताशा का खून हुआ है। सर एक बात और, खून बहुत ही प्लानिंग के साथ किया गया है, खूनी जानता था नताशा किस वक्त कमरे में आती थी, कहां बैठती थी, सब कुछ। और ये जो हाथ भेजा हुआ है ना कटा हुआ, ये भी ऐसे नहीं आया, ये भी प्लानिंग के साथ भेजा गया है। यस डॉक्टर सारुंके। अच्छा, वेरी गुड। हाँ ठीक है, हम लोग आते हैं। ये प्रिंट देख रही हो? ये किस चीज के प्रिंट है सर? ये तो लंग्स हैं। ये नताशा के फेफड़ों के प्रिंट है। फेफड़ों के प्रिंट? डॉक्टर साहब, इसकी मौत तो ये यहाँ गर्दन पे गोली लगने की वजह से हुई है ना? तो क्या हुआ यार,
भाई पोस्टमार्टम में तो बाकी चीजें भी तो चेक करनी पड़ती है ना, तभी तो पता चलता है कि आखिर वहां पर हुआ क्या था। बॉस ये देखो, इसके फेफड़ों में ये केमिकल है। कैसा केमिकल है ये? टेरोलिन ऑक्साइड। टेरोलिन ऑक्साइड? ये कैसा केमिकल है? ये केमिकल अक्सर डाइज में इस्तेमाल होता है, कपड़े जिन रंगों से रंगे जाते हैं वो वाली डाइज। मगर नताशा का कपड़े रंगने वाली डाई से क्या कनेक्शन हो सकता है? कुछ तो कनेक्शन होगा ही नहीं यार, तभी तो ये केमिकल इसके लंग्स में आया है। और कोई एक दिन में तो ये केमिकल आता नहीं है लंग्स में, कोई बरसों तक इन डाइस के साथ रहे तभी ये केमिकल जाकर के बैठता है फेफड़ों। मगर नताशा का तो स्टील का बिजनेस था, कपड़े रंगने के डाई से भला इसका क्या संबंध? सर सोनिया का पता चल गया सर। कहाँ पे है वो? उसने नया घर लिया है सर, स्टेट एजेंट से उसके नए घर का एड्रेस मिल गया है। नया घर लिया है, चलो फिर इस बात के लिए उसे मुबारकबाद दे देते हैं। सोनिया, उसका हमसे पहले कोई तलाशी ले चुका है इस घर की। सोनिया घर पे है भी कि नहीं? अभिजीत सर, कहीं सोनिया को कुछ हो तो नहीं क्या? फोन का ट्रेल उस तरफ जा रहे। खून के धब्बे तो बैठ के सोनी को पता चल गया था कि हम लोग आ रहे हैं। हमारे आने से पहले इसको हटा दिया। सर तो जिंदा है? यस सर। लेकर चलो हॉस्पिटल, लेकर चलो डॉक्टर से। सोनिया मुझे कुछ कहना है। क्या हुआ सर? बोला उस रात की वजह से आवाज सब कुछ चिमना था। क्या 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 हुआ, क्या था उस रात? उस रात मैम क्या हुआ? मैम ओह माय गॉड, कौन है उसे? उस मैम ओह माय गॉड, उसे छुपा माँ, सोनिया क्या चीज थी वो? क्या छुपाने के लिए कहा था नताशा ने तुमसे? क्या कहाँ कहाँ छुपाई है? सोनिया सोनिया She's dead. सर उसके हाथ में ये पेंट लगा हुआ है। पेंट? सर ये देखिए। पेंट? यहाँ कहीं तो पेंट हमें दिखाई नहीं पड़ा। अजी एक बात तो तय है कि दोनों खून जो हुए हैं नताशा और सोनिया के, ये उसी चीज की वजह से हुए हैं जो सोनिया ने छिपाई नताशा के कहने पर। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि वो चीज क्या थी और उसे सोनिया ने आखिर छुपाया कहाँ पे है। चलो चलकर इस वेदांत से मिलते हैं, उस रात था ना वो नताशा और सोनिया के साथ। मुझे कुछ नहीं पता सर, मुझे कुछ नहीं पता, आप लोग मेरी बात का विश्वास कीजिए साहब, मुझे कुछ नहीं पता। एक ही जगह पे आके तुम्हारी टेप अटक जाती है। नताशा ने तुमको और सोनिया को रात के 3 बजे बुलाया था एक अर्जेंट काम के लिए। क्या था वो अर्जेंट काम? देखो वेदांत, नताशा के बाद सोनिया भी ऊपर चली गई है, अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है, समझे? चुपचाप बता दे बात क्या है, शायद तुम्हारी जान बच जाए। देखो अब भी वक्त है, बता दो। मैं मरना नहीं चाहता सब। तो फिर बताओ क्या हुआ था उस रात? नताशा मैडम ने साइन करने के लिए बुलाया था मुझे। साइन करने के लिए? किस चीज पर? अपनी वसीयत पर।
और मुझसे कहा था कि ये बात मैं किसी को ना बताऊं। क्या लिखा क्या था उस वसीयत में? साइन करने के बाद मैं एक फोन करने के लिए बाहर गया, पीछे से गोली चली। सर, कहीं ये खून इस वसीयत की वजह से तो नहीं हुआ है? हो सकता है, पर मुझे लगता है सोनिया मरने से पहले इस वसीयत के बारे में बताना चाह रही थी। बस सोनिया ने ये वसीयत कहीं पर छुपाई है। और सर, नताशा के घर वाले भी तो बता रहे थे कि सोनिया के हाथ में कुछ भी नहीं था जब वो घर से बाहर आई। इसका मतलब वो वसीयत अभी भी वही है जहाँ पे नताशा का खून हुआ था। हाँ, वहीं पर उसी कमरे में है वो वसीयत। एक्सक्यूज मी, यस डॉक्टर तारिका? नहीं, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आते आते, आप बुलाएं और हम ना आए हैं। फोरेंसिक लैब चलना है। हाँ, हेलो डॉक्टर तारिका। गुड मॉर्निंग सर। साहब, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस हाथ से कोई ना कोई कहानी निकलवाई ली होगी। अरे सिर्फ कहानी है क्यों, कोई जोक भी तो निकलवाया होगा। हाँ, कहानी या जोक जो भी है सुन लेते हैं। ये हाथ किसी औरत का है जिसकी मौत करीब 25 साल पहले हुई थी। एंड फ्रेडी, ये कोई जोक नहीं है, समझे? जोक नहीं है। 25 साल पहले मतलब 1984 में। जी, और जब इसकी मौत हुई थी तब इसकी उम्र 30 से 32 साल की रही होगी। हमें कुछ निशान भी मिले इसके हाथ पे से, ये देखिए, नाइफ से कटने के निशान। मतलब खूनी ने मारने के बाद लाश के टुकड़े किए होंगे। करेक्ट। और इतना ही नहीं, ये हाथ लेकर यानी कि लाख में डूबा हुआ था। अब बस ये लाख अधिकतर कपड़े रंगने के काम में आती है। अरे तो बड़ी अजीब बात है, नताशा के लंग्स में जो केमिकल मिला था वो भी कपड़े रंगने में काम आता था, और ये जो कटा हुआ हाथ है इस पे जो लाख लगी है ये भी कपड़े रंगने में काम आती है। मतलब नताशा का इस औरत के साथ जरूर कोई ना कोई संबंध है जिसका कटा हुआ हाथ भेजा गया था। नताशा तो मर चुकी है, अब हमें बताएगा कौन की ये कटा हुआ हाथ है किसका? फ्रेडी, वो भी पता चल सकता है। कैसे? आइए। ये लाइंस देख रहे हैं आप लोग, ये हड्डियों पर। तो ये किस तरह की लाइंस है? ताशा एक बीमारी है, हड्डियों की बीमारी, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा टाइप 5। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, बाप रे, ये तो बहुत ही भयंकर बीमारी है सर। हाँ फ्रेडी, भयंकर भी है और रेयर भी। ये एक जेनेटिक बीमारी है, बस हर एक को नहीं होती। मतलब हम इस बीमारी से उस औरत के बारे में पता कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। और बस ये औरत इस बीमारी के लिए पैम रोजा नाम की दवाई लेती थी, और 25 साल पहले ये दवाई सिर्फ यूके, यूएसए और कनाडा में ही मिलती थी। पैम रोजा, देन फिर तो हम लोग पता लगा सकते हैं कि 1984 में यहाँ पे कौन कौन से हॉस्पिटल वाले ये दवाई मंगाते थे। और हम इन अस्पतालों से पता कर सकते हैं कि 30-32 साल की कौन कौन सी औरतें इलाज करा रही थी इस बीमारी का। ये सब क्या है? ये कमरा, ये सारा सामान, ये मॉम की आखिरी निशानी है? कर क्या रहे हैं आप लोग? तुम्हारी माँ का खून हुआ है तो पता तो लगाना पड़ेगा ना? हाँ, मगर आपको यहाँ क्या मिलेगा? खूनी तो बाहर घूम रहा है। वसीयत के पेपर्स। वसीयत के पेपर? अरे वो तो मॉम के बैंक लॉकर में होंगे ना? नहीं केतन, तुम्हारी माँ ने मरने से पहले अपनी नई वसीयत बनवाई थी जिसपे साइन करने के लिए उन्होंने वेदांत और सोनिया को बुलाया था। बकवास है ये सब। अगर मेरी बहन ने नई विल बनवाई होती तो सबसे पहले हमें बताती। नई वसीयत उन्होंने बनवाई है जिसे सोनिया ने यहीं इसी कमरे में कहीं छुपा के रखा है। एक बार ये वसीयत मिल जाए तो खूनी भी मिल जाएगा।
कमरे का कोना कोना छान मारा सर। वसीयत तो छोड़ो, वसीयत का वी भी नहीं मिला। मिलेगी फ्रेडी, वसीयत यही मिलेगी। सोनिया ने जरूर वसीयत ऐसी जगह छुपा के रखी है जो आसानी से ना मिले। सर, आपको याद है मरते वक्त सोनिया के हाथ में हमें एक पेंट का निशान मिला था? पेंट? करेक्ट। वो पेंट कहीं यहाँ इस कमरे से तो नहीं लगा उसे? शायद यही से आया। कहीं सोनिया ने वसीयत को पेंट के डिब्बे में तो नहीं डाल दिया? वसीयत की ऐसी की तैसी हो जाएगी पेंट में डुबके। मानना पड़ेगा सोनिया के दिमाग को, दीवार पे वसीयत चिपका के ऐसा पेंट कर दिया कि किसी का ध्यान भी नहीं गया इस तरफ। आखिर इस वसीयत में है क्या? क्या लिखा क्या है वसीयत में? बताइए ना प्लीज, आप चुप क्यों हैं? ये पूर्वा कौन? पूर्वा? ये नाम तो हम पहली बार सुन रहे हैं। कमाल, आपकी माँ ने अपनी सारी जायदाद इस पूर्वा के नाम कर दी है। व्हाट? क्या? पूर्वा? पूर्वा? नहीं साहब, ये नाम मैंने पहली बार सुना है। तो तुमने भी ये नाम नहीं सुना है? कमाल है, नताशा अपनी सारी जायदाद इस पूर्वा के नाम कर जाती है और उसके घर वालों ने इस लड़की के बारे में कभी कुछ नहीं सुना। ये तो मैं भी सोच रहा हूँ दया, कि अपने बेटे और बहू के नाम एक रुपए भी नहीं छोड़ा। ये गुंजन और केतन सताते होंगे नताशा को, इसीलिए तो उसने ऐसा किया। ठीक है फ्रेडी, ये लोग सताते थे, इनके नाम पे एक पैसा भी नहीं किया, मगर ये पूर्वा इसको अपना सब कुछ दे दिया। है कौन ये? दोस्त है, रिश्तेदार है, कौन है ये? जहाँ जहाँ पर कपड़े रंगे जाते हैं मैं वहीं से आ रही हूँ। तीन जगहों पर कपड़े रंगे जाते हैं। कौन सी जगह है? सब पहली जगह है पूरी, दूसरी जगह तारा मंडी और तीसरी जगह सनहरे का। एक मिनट, क्या नाम बताया आपने? तारा मंडी। तारा मंडी? यस सर, ये नाम मैंने अक्सर नताशा मैडम के मुंह से सुना, वहां पर अक्सर जाया करती थी। नताशा तारा मंडी जाया करती थी? बड़ी अजीब बात है,
इतनी अमीर औरत यहाँ पे क्या करने आती? उसकी फोटो दिखा के पूछते हैं, किसी ना किसी ने देखा ही होगा। अच्छा जरा फोटो देखी, ये औरत यहाँ आती थी? हाँ हाँ आती थी, मगर पूछ क्यों रहे हो साहब? इनका खून हो गया। खून? हाँ खून। ये औरत यहाँ पे क्या करने आती थी? ये कपड़े रंगवाने आती थी या फिर यहाँ किसी दुकान में आती थी? नहीं साहब, वो तो बस एक लड़की को देखती रहती थी। सिर्फ देखती रहती थी? कौन है वो लड़की, बुलाओ जरा उसे। उर्वा, उर्वा। क्या बात है काका? सीआईडी वाले आए हैं। सीआईडी वाले? हाँ सीआईडी वाले आए। तुम ही पूर्वा हो? जी। इन्हें पहचानती हो? नहीं। जरा ध्यान से देखो, शायद पहले कभी देखा। नहीं, मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। अच्छा, पहले कभी नहीं देखा? और ये अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर गई? हाँ? क्या, अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर गई? हाँ, सारी जायदाद, धन दौलत सब, और अपने खुद के बेटे के लिए एक रुपया भी नहीं छोड़ा। क्यों? मुझे नहीं पता। ऑलरेडी ठीक है, पहुंचते हैं। आप रेडी? क्या पता चला? सर, जो बात पता चली है उसे सुनते ही आपके पैरों तले धरती फिसल जाएगी, सर पे आसमान गिर जाएगा, बिजली कड़कने लगेगी। एक मिनट एक मिनट, ये मौसम की जानकारी देना बंद करो, समझे? ये बताओ कि पता क्या चला? सर, आज से 25 साल पहले नताशा की मौत हुई थी। 25 साल पहले? ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने कहा था ना सर, बिजली कड़कने लगेगी। फार्मास्यूटिकल कंपनी से पता चला है कि 1984 में नताशा नाम की एक औरत इंडिया वापस आई थी, जो उस हड्डियों वाली बीमारी का इलाज करवाने के लिए। लेकिन वो कोई और नताशा भी तो हो सकती है। ऐसा हो ही नहीं सकता। उस हड्डियों की बीमारी का इलाज करवाने वाली 30-32 साल की सिर्फ 3 औरतें थी। एक मरी 1990 में, दूसरी 1994 में, और तीसरी बची ये नताशा, जो आज से 25 साल पहले मरी थी 1984 में। ये रहा फैक्स। नताशा, पति का नाम रविंदर और बेटा केतन। अब तो मानते हैं ना सर, फ्रेडी काम में बहुत तेज है। क्या चक्कर है ये अभी? अगर वो औरत जिसका कटा हुआ हाथ भेजा गया था वो नताशा थी, केतन की माँ, तो फिर ये दूसरी औरत कौन है जिसे केतन अपनी माँ समझ रहा है? अब ये तो वही बताएगा, इस नकली नताशा का भाई रणवीर। आप लोग? जी हम लोग। मैं आपको ही फोन करने वाला था। मोहम के कातिल के बारे में कुछ पता चला? केतन, तुम्हें एक ऐसी बात बतानी है जिसे सुन के शायद तुम अपने आप को संभाल ना सको। मोहम के खून की खबर से भी ज्यादा बुरी? शायद। तो फिर प्लीज रहने दीजिए, मत बताइए। नहीं, बतानी तो पड़ेगी। केतन, हमें तुम्हारी असली माँ का पता चला है। असली माँ? जी हाँ, असली माँ। मतलब वो? हाँ, वो औरत जो मर गई है वो तुम्हारी असली माँ नहीं थी। मेरी माँ नहीं है? कैसी बेतुकी की बातें कर रहे हैं? सही बोल रहा हूँ, और दुख की बात ये है कि तुम्हारी असली माँ भी जिंदा नहीं है। असली माँ की मौत हो गई? ये मेरी माँ नहीं है? मैं आपकी बात मानू कैसे? क्या सबूत है आपके पास? वो जो बॉक्स में हाथ आया था
वो तुम्हारी असली मां का था। What? जी हाँ, हमारी बात का विश्वास करो। दुख मनाना ही है तो अपनी असली माँ की मौत का मनाओ। वो जो औरत आप लोगों के साथ इतने सालों से रह रही थी नताशा बनकर, नताशा नहीं बल्कि योगिता थी, ढोंग कर रही थी वो नताशा होने का। कैसी बातें कर रहे हैं आप? जो भी थी तो मेरी माँ ही है। भले ही मुझे पैदा नहीं किया था लेकिन इतने सालों तक मुझे पाल पोस से बड़ा तो किया। केतन, ये इमोशनल होने का वक्त नहीं है। और सर, अगर वो औरत नताशा मान नहीं थी तो वो हम लोग के साथ क्यों रह रही थी? उसे ऐसा क्या मिलने वाला था? हम भी वही पता करने आए हैं। आप जरा रणवीर को बुलाइए। रणवीर अंकल? जी हाँ रणवीर, तुम्हारी नकली माँ का असली भाई, बुलाइए उन्हें, जरा देखे तो सही वो क्या बोलते हैं। पर रणवीर अंकल तो तारा मंडी गए हैं। तारा मंडी? जी, वो कुछ परेशान से लग रहे थे, कह रहे थे कि कोई डील है जो निपटानी है। माय गॉड, ये पूर्वा की जान को खतरा है। लेट्स गो। जरूर यही कहीं पे होगा सर। जल्दी ढूंढो, पूर्वा की जान को खतरा है। तो हो गया, तेरे कपड़े बड़े हो गए। एक बात और, ये क्या सीआईडी वाले यहां तक पहुंच गए? झूठ का सहारा लिया मैंने और मेरी बहन योगिता ने अमीर होने के लिए। योगिता की एक दोस्त थी नताशा, उसने अमेरिका में एक अमीर आदमी से शादी कर ली थी लेकिन वो बेचारा मारा गया एक एक्सीडेंट में और नताशा को यहां पर किसी ने देखा नहीं था। तो जब नताशा यहां वापस आई तो तुम लोगों ने मिलकर उसे मार दिया और तेरी बहन योगिता वो नताशा बनकर यहां रहने लगी। क्यों है? हाँ, जल्दी अमीर बनने का यही एक रास्ता था। और पूर्वा? पूर्वा कौन है? योगिता की बेटी। उस समय वो बहुत छोटी थी, पहले हम लोग भी यही काम करते थे, कपड़े रंगने का। तो हमने पूर्वा को एक रिश्तेदार के यहां रख दिया और योगिता नताशा बनकर रहने लगी। और योगिता का पति? वो शराबी तो उसे बहुत पहले छोड़कर जा चुका था। वाह, काफी अच्छा प्लान बनाया तुम लोगों ने, हैं? प्लीज प्लीज हमको बचा लीजिए साहब, कोई मार रहा है सबको एक एक करके। नताशा की मौत का बदला लेना चाह रहा है कोई। नताशा की लाश कहां छुपाई थी? यही है सर, यही वो जगह है। मगर यहाँ तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। 25 साल पहले जब लाश गाड़ी थी तो यहाँ पर खाली जमीन थी। यहाँ एक झोपड़ा हुआ करता था जिसमें बुड्ढे बुढ़िया रहते थे। एग्जैक्टली लाश कहाँ पे गाड़ी थी ये बता। यहाँ ये सर। यही वो जगह है सर, ये पेड़ के पास। क्या आपको पूरा यकीन है कि ये वही जगह है? हाँ मैडम, इंसान लाशें रोज नहीं गाड़ा करता है, मुझे अच्छी तरह से याद है। लाश के टुकड़े किए थे ना तूने गाड़ने से पहले? सर, मिट्टी के साथ हाथ भी ऊपर आ गए। नहीं फ्रेडी, लाश पे लाख लगा हुआ था, पूरी बॉडी लाख में लिपटी हुई थी तो इतनी आसानी से ऊपर नहीं आएगी।
जरूर किसी ने जमीन खोद के वो हाथ निकाला है। अब शायद बाकी की बॉडी अभी भी जमीन के अंदर ही होगी। क्या बात है भाई साहब, प्रॉपर्टी खरीदने आए हैं क्या? जेल लेके जाना है इस प्रॉपर्टी के मालिक को। क्या जेल? लेकिन क्यों? क्योंकि इन भाई साहब ने 25 साल पहले यहाँ एक लाश गाड़ी थी जमीन के अंदर। लाश? हाँ लाश। रेडी, जरा यहाँ खोद के देखो, देखो बाकी का मर्दा मिलता है कि नहीं। नहीं भाई साहब, बस एक मिनट सर, मैंने इस जमीन को पूरी नीचे तक खुदाई करी है, मेटल टेस्टिंग भी कराई, लेकिन सर नीचे कुछ नहीं है। पूरा यकीन है तुम्हें? हैं? बिल्कुल सर। सर मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, किसी जमीन की अच्छी तरीके से टेस्टिंग करने के बाद कंस्ट्रक्शन शुरू होता किसी बिल्डिंग का। तो फिर कहीं उस आदमी ने तो लाश नहीं निकाल ली जिसने वो हाथ भेजा था योगिता को? मुझे 25 साल पहले बात अलग थी, अब तो ये इलाका इतना भीड़ भाड़ वाला हो गया है कि किसी ने देखा कैसे ने लाश को निकालते हुए। हो सकता है उन बुड्ढे बुढ़िया ने लाश निकाल ली 25 साल पहले, और या फिर इस जमीन का मालिक जिसने जमीन खरीदी है। इस प्रॉपर्टी के मालिक का एड्रेस मिल सकता है? जी हाँ। क्या देना? जी जरूर सर। सर मार्था नाम है। मार्था? मार्था? एक मिनट, कहीं तुम इसी मार्था की बात तो नहीं कर रहे हो? जी हाँ सर बिल्कुल, लेकिन आपको कैसे पता? ये बात है, केतन के घर में नौकरानी का काम करने वाली मार्था आज ये प्रॉपर्टी खरीद कर इस पे कंस्ट्रक्शन करवा रही है। रातों रात लॉटरी निकल आई क्या इसकी? लॉटरी नहीं दया, लाश। रातों रात लाश निकल गई उसने। मार्था। रणवीर अंकल मिले आपको? हाँ वो तो मिल गए, मगर हम जरा मार्था को, ये आपके हाथ में क्या हुआ है? ये वो मार्था से फूलदान टूट गया था, बस वही लग गया हाथ में। अच्छा, ये मार्था कहाँ, जरा बुलाई उन्हें। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जरा सी चोट है, कहाँ आप इसके लिए उस बेचारे को डांटेंगे। डांटना नहीं है, पूछना है उससे। कुछ पूछना है? वो घर पे नहीं है। जिसे देखो घर पे नहीं, कहाँ गई वो? वो उसके किसी रिश्तेदार का फोन आया था कि एक्सीडेंट हो गया है, तो वो उसी से मिलने हॉस्पिटल गई है। कौन से हॉस्पिटल? वो मुझे नहीं मालूम। अच्छा, उसे जो फोन आया था वो मोबाइल पे किया गया था या लैंडलाइन पे? जी लैंडलाइन पे। ओके, कॉलर आईडी है? जी हाँ। फ्रेडी जरा पता करो किस नंबर से फोन आया था। यस सर। कितने बजे फोन आया था मैडम? यही कोई 3:30 बजे। 3:30 बजे। मिल गया सर, 3:25 को फोन आया था, 12090070 सर। फोन करूँ क्या? हाँ करो, पता करो किस हॉस्पिटल लेके गए। हेलो मार्था, हाँ आप मार्था के रिश्तेदार हैं ना? ये कहाँ का फोन नंबर है? पीसीओ का? तारा मंडी? तारा मंडी। सब समझ में आ गया फ्रेडी, अब सब समझ में आ गया। तारा मंडी। आज मैं तुझे तेरी माँ तक ही पहुंचा दूं। माफ करना बहना, कहने को तो मैं तेरा भाई हूं, सौतेला ही सही, लेकिन उससे पहले मैं एक बेटा हूं जिसे बदला लेना है, अपनी मां की मौत का बदला। वरना एक एक की बॉडी में छेद कर दूंगा, समझा? नहीं रुकूंगा मैं, नहीं। मुझे मेरी मां की मौत का पता लेना है। मैं आज अपनी मां को इंसाफ दिला कर ही रहूंगा। नहीं, इंसाफ कानून करेगा, तुम नहीं। नहीं, इंसाफ मैं करूंगा। तो योगिता को भी तुमने ही मरवाया है? जी। तुम्हें पता कैसे चला कि तुम्हारी मां का खून हुआ था? वो मैंने नताशा को उसके भाई रणवीर से बात करते हुए सुन लिया था,
प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा चल रहा था, तब मुझे पता चला कि इतने सालों से जो हमारे घर में रह रही है वो मेरी असली माँ नहीं है। असली माँ को इन लोगों ने पहले ही मौत के घाट उतार दिया था। गोली किसने मारी? मैंने मारी गोली उसे। योगिता तो बस कहने भर को माँ थी, पर केतन को तो सहारा मैंने दिया है, एक माँ से बढ़कर। अरे योगिता तो पैसे के पीछे इतनी अंधी हो गई थी कि उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। और सोनिया, उस बेचारी ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? वो सोनिया को मालूम था कि वसीयत के कागजात कहाँ रखे, लाख कोशिश के बावजूद भी वो पता नहीं रही थी, इसलिए इंसाफ के नाम पे दो दो खून किए तुम लोगों ने और तीसरा करने जा रहे थे। तुम्हारा इंसाफ कानून करेगा, फांसी होगी तुम लोगों को, फांसी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।